ओम शांति। रात को जो हम सोचते हुए सोते हैं, सुबह के विचार भी, सुबह के वाइब्रेशंस भी वैसे ही होते हैं, और पूरी रात वो ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इसीलिए रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसे क्लीन करके सोना है, मन को साफ करके सोना है। चलिए चारों ओर से अपना ध्यान हटा लें, मन को एकदम शांत कर लें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अपने मस्तक में चमकते हुए प्रकाश को देखें, उस ऊर्जा को देखें, शांति के प्रकाश को अनुभव करें। आंखें खोलकर मस्तक से निकलते हुए प्रकाश को देखें। अगर मन भटक रहा है तो थोड़े समय के लिए आंखें बंद भी कर सकते हैं, पर हो सके तो आंखें खोलकर। और आज पूरे दिन भर जो कुछ भी हुआ, अगर किसी बात को पकड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, कुछ सिचुएशन आई, छोड़ दें उसे, क्योंकि मेरे मन के लिए, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे किसी बात को पकड़ कर नहीं रखना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे अंदर क्षमा करने की शक्ति है, माफ करने की शक्ति है। मैं परमात्मा की संतान हूं जो क्षमा का सागर है, रहम का सागर है। इसलिए मैं भी उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं, माफ करती हूं, जिन्होंने मुझे जाने अनजाने दुख दिया है, तंग किया है, मेरा मन एकदम हल्का, कोई बोझ नहीं। अगर भविष्य की चिंता है वो बाबा पे छोड़ दे। स्वयं भगवान, सुप्रीम पावर, परम शक्ति मेरे साथ है। इस अनुभव में खो जाएं, बाबा मेरे साथ है। दिल से पुकारें बाबा को, दिल से अनुभव करें उसके साथ को। बाबा मेरे साथ है, और जिसके साथ स्वयं परमात्मा है, सुप्रीम पावर है, ब्रह्मांड की शक्ति है, उसे दुख अनुभव हो नहीं सकता, उसका मन अशांत हो नहीं सकता। मैं आत्मा मालिक हूं। सेट हो जाएं अपनी सीट पर, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर सके।
जो मुझे सीट से अपसेट कर सके। मैं मालिक हूं, मैं आत्मा, मन की मालिक, मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, मेरी फीलिंग्स पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, मेरे इमोशंस पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, मैं राजा हूं, मालिक हूं, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरे संकल्पों में परमात्म शक्ति समाई हुई है। मेरा मन एकदम रिलैक्स, शरीर भी एकदम रिलैक्स। बाबा ने मुझे मन को हल्का करने की विधि बताई है, छोड़ो तो छूटे। इसीलिए मैं आत्मा इसी क्षण सभी बोझों को छोड़ती हूं, सभी चिंताओं को छोड़ती हूं, क्योंकि भगवान बैठा है, बाबा बैठा है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं शांति के सागर की संतान, डबल लाइट फरिश्ता, मेरे मस्तक से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, मेरा शरीर भी प्रकाश का है, एकदम हल्का। मैं आत्मा भी लाइट, एकदम हल्की, कोई बोझ नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। मुझ फरिश्ते से शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस पूरे कमरे में फैल रहे हैं। कमरे का वायुमंडल चेंज हो रहा है, मेरी वृत्ति से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल भी शक्तिशाली हो रहा है। जैसे लाल लाइट जगाते हैं तो कमरे में भी लाल प्रकाश फैल जाता है, हरी जगाते हैं तो हरा फैल जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा जब अपने आनंद स्वरूप में हूं तो आनंद की लाइट पूरे वायुमंडल में फैल चुकी है। जब मैं आत्मा शांत स्वरूप में हूं, शांति की लाइट पूरे वायुमंडल में फैल चुकी है। मेरा पूरा घर चार्ज हो रहा है, घर के जितने मेंबर्स हैं उन्हें शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, और मैं आत्मा एकदम हल्की, निश्चिंत, निर्भय, संतुष्ट, खुशी से भरपूर हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
मेरे पास जो कुछ है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरा दिल शुक्रिया के गीत गा रहा है, आनंद में झूम रहा है। आनंद की किरणें, खुशी की किरणें, प्यार की किरणें वायुमंडल में फैला रहा है। अब चलें अपने फरिश्ते स्वरूप से बाबा के पास सूक्ष्म वतन में। सामने बाप दादा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, और मैं फरिश्ता बाबा की गोद में, और बाबा मुझे शांति प्यार के वाइब्रेशन से भरपूर कर रहे हैं। मेरे जितने भी बोझ हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, सब दूर हो चुकी है और मुझ फरिश्ते का प्रकाश बढ़ गया है। देखें मस्तक के मध्य प्रकाश को, अपनी पूरी ऊर्जा को फील करें। पूरी चेतना जो बिखरी हुई थी मस्तक के मध्य आ चुकी है, एकदम हल्का फील हो रहा है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति मुझे अपनी ओर खींच नहीं रही। मैं एकदम हल्की हूं, शांत हूं, रिलैक्स। ओम शांति।